भीड़ से छुपने के लिए ये अच्छी जगह है। मैं भीड़ से छुपने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ, भीड़ ना बढ़े इसलिए यहाँ आई हूँ। ज़ैनब और मैं जब छोटे थे तो अम्मी को दराज करके यहाँ आ जाया करते थे, या उन बच्चों से बचने के लिए जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। बहुत यादें जुड़ी हैं जगह से। क्या आप उनके काफी करीब थे? हाँ काफी, पर हम बहुत झगड़ते थे, ना हम साथ रह सकते थे और ना ही दूर। अक्सर भूल जाता हूं कि वो नहीं रही। जब मैं कंपनी जाता हूं मुझे लगता है कि जैसे वो दरवाजा खोलकर अभी अंदर आ जाएगी। मैं चाहता हूं कि अचानक मेरा फोन बजे। उसे वक्त का कोई अंदाजा नहीं होता था, वो कभी भी कॉल करती थी दिन रात देखे बगैर, कोई परवाही नहीं थी। मुझे गुस्सा आ जाता था अक्सर, लेकिन अब आप चाहते होंगे कि वो बस एक कॉल करे और आप उसका फोन फौरन उठा लें। आप एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, इस वक्त खुद को संभालना मुश्किल है। आसुमान या मेरे घर वालों में से किसी को कुछ हो जाए तो मैं तो सोच भी नहीं सकती क्या करूंगी, पर सबको आपकी जरूरत है। बुलूत, मिस लेमन, यहां तक कि डेनिस को भी। चलो वो लोग हमें ढूंढ रहे हैं। क्या है इसमें आंटी? ये लोग क्यों आए हैं? आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि अगर ऐसा मौका नहीं होता तो मैं ये सब नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो कान? ओ फरीद असलान, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। उसकी आंटी सही कहा ना जान, हम बस यहां बुलूत की सालगिरह मनाने आए हैं। तुम्हें यहां आने की दावत किसने दी? अगर उन्हें नहीं भी बुलाया तो घर आए हुए मेहमान की बेइज्जती कौन करता है? इतना गुस्सा करने की कोई बात नहीं, चलो टेबल पे चलते हैं। हाँ बिल्कुल, आ जाओ जान। फरीद, आंटी को नाराज नहीं करेंगे, अभी बाद में देख लेंगे। शुक्रिया शुक्रिया। यहाँ आके बैठो। मेरी आंटी मेरे लिए कैंगरू लाई हैं। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो कैंगरू देखने ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा। जरूर मेरी जान। लेकिन मैं नाजली के साथ जाऊंगा, है ना? सेविम, अगर केक तैयार है तो ले आओ। तुम्हारा केक आ रहा है बिग बॉस। मैं किक करती हूँ इस बॉल को। ठीक से खेलो। मैंने पहली बार बुलुत को किसी बाहर वाले के साथ इतना खुश देखा है। क्या मैं इसका राज जान सकती हूँ? ये पहली नजर का प्यार है। बुलूत मुझसे बहुत प्यार करता है। हमारा इतना साथ देने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाई। फरीद अकेला था उस वक्त, बहुत अकेला। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, ये मेरा फर्ज है। मुझे पता है आप कहीं बिजी होंगी। वाह भाई जबरदस्त, चलो चलो केक आ गया। ये बहुत अच्छा है। मैं मम्मी और बाबा को ख्वाब में देखना चाहता हूँ, मुझे उनकी बहुत याद आती है।
केक काटते हैं। कैंडल्स बुझा दो। ठीक है। हैप्पी बर्थडे बुलू, और बर्थडे बॉय के लिए ये मेरी तरफ से। जल्दी जल्दी देखो। ये तो बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। आई लव यू सो मच नाज़ली। आई लव यू टू बुलूत। अब जब तक तुम्हें सच में पपी ना मिल जाए तुम इससे काम चलाओ। ठीक है। ये देखें, ये मुझे बहुत पसंद है। और ये मेरा तोहफा। ठीक है, मेरी हेल्प कीजिएगा। सुनो मेरी जान, अब हमें चलना चाहिए। हमने तोहफा दे दिया, केक कट गया, मेरे ख्याल से इतना काफी है। इतनी जल्दी क्या है आका, थोड़ी देर और रुकते हैं। मर्जी है तुम्हारी। सेटल कर लूंगा। मतलब कैसे? क्या मैं रुक जाऊं? जैसा आप कहें। ठीक है, समझ गया। मेरा बच्चा। बाय बाय। बेचारा बच्चा। चलो मैं भी चलता हूँ। हाँ यार, मिलते हैं। ठीक है, समझ गया हूँ कि आपको लिफ्ट की जरूरत है। आइए छोड़ देता हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं यार। हाँ जरूर। चलती हूँ फरीद साहब। अक्सर ऐसे ही आदत है इसकी। बदल भी दो अब इस कबाड़ को, इंसान कब तक खुद से पुरानी गाड़ी चलाता रहेगा। मुझे ऐसे मत देखो, मुझे इस गाड़ी से बहुत प्यार है, बहुत अच्छी है। अब ऐसे मत देखो इसको, फरीद भाई को भी बहुत पसंद है ये। ख्याल रखना पड़ता है इसका, थोड़ी सी मेहनत लगती है। छोड़ दो, अपने हाथ खराब करने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ चलो तुम लोग। वाकई में? खैर छोड़ो, ये तो गैरेज तक पहुंच ही जाएगी। इसके चक्कर में मत पड़ो, कल कंपनी नहीं आ पाओगे। कंपनी? ठीक है। चलो। खुश दिख रहा था, ऐसा लगता है वो धीरे धीरे सब भूल जाएगा। ठीक है, मैं ऐसे ही सोचना चाहता हूं।
हम सब उसकी खुशी देखना चाहते हैं, लेकिन अगर वो इस वक्त हमारे साथ होता तो और भी बहुत खुश होता। अभी के लिए मुझे ज्यादा खुशी नहीं हुई। हाँ, मुझे भी। वो हाकान, उसने हमारे भतीजे को गाड़ी में बैठाया और हमारी आंखों के सामने लेकर चला गया उसे। मतलब जब भी सोचो तो दिमाग खराब ही हो जाता है। आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही बिल्कुल। मुझे नहीं पता, मैं तो खो सी गई। शीशे से बाहर देखना अच्छा लगता है। मुझे भी ये बेहतर लगता है। क्या मतलब? मतलब शीशा उतार देना। हवा को महसूस करना, उसके मजे लेना, बल्कि उसे मुकम्मल तरह महसूस करना। डेनिस, क्या कर रहे हो तुम? अंदर आ जाओ। हाँ। डेनिस, क्या कर रहे हो तुम? आइए भाई साहब, आप भी हवा को महसूस कीजिए हमारे साथ। कम ऑन, आइए आइए। खोलो अपने हाथों को। इसलिए तुम बेफिक्र रहते हो, आप समझी। मैं अपनी खुद की गाड़ी में ये सब कुछ नहीं कर सकता। आसमान के साथ बात करने के बाद अब ये करना पड़ेगा। ठीक। अरे नीचे उतरना है क्या? ठीक है। तुम एकदम पागल हो। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया मोहतरमा। हाँ, लेना भी चाहिए। जी हेलो। जी जी बिल्कुल पहचान गया। क्या हो गया, खैरियत है? ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ वहां पर। क्या हुआ? वो आलिया ट्रायल के बाद से थोड़ा बहुत ज्यादा पी ली है उसने, कोई रोक नहीं पा रहा उसे। यार तुम मुझे एक जगह पर छोड़ दो, मैं वहां से टैक्सी लेकर चले जाऊंगा। डेनिस, ऐसे कैसे? मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, जरूरत होगी कोई। नाज़री ठीक कह रही है। बार बॉय प्लीज मुझे एक और बनाकर दो, आइस भी दो। क्यों नहीं दे रहे हो तुम मुझे? हाँ बार बॉय, मेरी बात क्यों नहीं मानते? ऑड्रे हेपबर्न्स के साथ जेम्स डीन भी यहाँ है। आपको देखकर बहुत अच्छा लगा बच्चों। जीन लोगार्ड भी आया है, देखो तो। ये क्या हरकतें कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? असल में कुछ भी नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन बहुत कुछ कर रही हूँ। मतलब कुछ भी तो नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ। क्यों, क्या कर रही हूँ मैं? देखो तुम फिर से हाथ पार कर रही हो। हाँ मुझे माफ करना ऑफिसर साहब, मेरा जो भी जुर्म है उसकी सजा दे दो मुझे। चलो तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ तुम्हें। मैं घर नहीं जाऊंगी। बेटे देख रहे हो, मेरे दोस्त आ गए हैं। आलिया, मेरे हिसाब से घर का एरिया बहुत अच्छा है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। कोई जरूरत नहीं, डेनिस ले जाएगा। बाद में सूरज को चमका देना, उसके बाद हवा महसूस करना। ओ, बैग कहाँ है तुम्हारा? मैं कहीं नहीं। चलो बस बहुत हो गया, घर चलते हैं। ना, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं रुकूंगी। ठीक है, जब तुम घर जाना चाहोगी हम तभी चलेंगे, अभी हम यहीं रुकते हैं। हम यहाँ से किसी बेहतर जगह भी जा सकते हैं। देखा, हर सिचुएशन में बिजनेसमैन होना चाहिए। सबसे अच्छा आइडिया फरीद का है। कॉन्ट्रैक्ट लाओ, कहाँ साइन करना है? हाँ कॉन्ट्रैक्ट बाद में साइन करेंगे, अभी यहाँ से चलते हैं। अब ठीक हो? ठीक हूँ, अब आ गई होश में मैं। दोस्तों मुझे प्लीज माफ करना, कभी कभी बेवकूफ वाली बातें कर देती हूँ मैं।
मेरे ख्याल से तुम गलत अल्फाज कह रही हो। कभी कभार नहीं, तुम अक्सर करती हो ये सब। चलो छोड़ो आलिया, कोई बात नहीं। चिकन पुलाव लजीज है क्या? बहुत लजीज है। खैर आप सबका बहुत शुक्रिया, सबसे ज्यादा तुम्हारा फरीद, तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। कोई बात नहीं। एक चीज पूछनी थी, तुमसे चिकन चबाया नहीं जा रहा या दिल नहीं कर रहा तुम्हारा? नाजली ये बताओ, पुलाव तुम्हें खाना है? उफ कैसे यार, मैं नहीं बनाती ऐसा खाना, इसलिए मैं खुद को तसल्ली देती हूँ खाने से पहले। टेस्ट करो। चलो चखाओ थोड़ा। अच्छा बना है वैसे, बल्कि बहुत अच्छा बना है। मैं लेने जा रही हूँ, किसी को चाहिए? मैं नहीं खाऊंगा। एक मेरे लिए भी लेकर आना। चलो। अल्लाह आसानी करे आपके लिए। भाई मक्खन भी डाल दें? बटर। ठीक है, फिर इसे हाफ कर दें। भाई एक मेरे लिए भी तैयार कर दो। दो क्यों, अपनी बॉडी देखे? हाँ, ये मेरे लिए काफी होगा। फरीद, फरीद तुम्हें ठंड लग जाएगी, यहाँ आकर बैठो। तुम्हें पता है बलूत पुलाव कैसे खाता है? केचप के साथ। यार बलूत को तो मैं कभी भी पुलाव केचप के साथ देती ही नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज ऑलरेडी टेस्टी है उस पे सॉस डाल के उसको क्यों खराब करें, उसकी कोई जरूरत नहीं होती। हाँ हाँ उसे भर दो उस्ताद, भर दो जबरदस्त। मैं अंदाजा लगा रही हूँ, वो ये है कि नाजली को तुम बहुत चाहते हो ना। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ताजी हवा में सांस लेनी चाहिए, तुम ठीक नहीं हो। मैं अपने होश में हूँ और तुम्हें जानती भी हूँ, तुम्हारी हालत मेरे सामने है। बर्फ की जमीन मोहब्बत की आग में घिरी हुई है। मक्खन थोड़ा ज्यादा लग रहा है। यही सोच रही थी कि सूखा सूखा लग रहा है। ऐसे मैंने क्या कर दिया? बहुत मजे का। केचप? एक बात और कहना चाहूंगी मैं। साफ दिखता है कि वो डेनिस को दोस्त मानती है, उनके बीच में कुछ नहीं है ऐसा। मजाक था, जेलस नहीं हो। अब ये बातें बंद करूंगी या मैं उठ के चला जाऊं? बिल्कुल ऐसे जैसे तुम हो। कोई तुम्हें सच बता रहा हो तो तुम उसी वक्त टॉपिक बंद कर देते हो। ये सब भी तुम्हें गुस्से वाला इंसान बना रहा है। लगता है हाइट देख के दे रहा है सबको। ये पुलाव वाकई बहुत मजे का है। फरीद तुम भी एक पैकेट ले लेते यार। नहीं मुझे नहीं खाना। खैर तुम इधर आओ जरा, आओ। ये बहुत अच्छा बना है फरीद साहब, मैं इसे मेन्यू में ऐड करूंगी। मेरा मतलब है ऑर्गेनिक चिकन डाल दूंगी आपके लिए। ये एक बेहतरीन आइडिया है। तुम खाओ। बहुत लेट हो गया है, मैं जा रही हूँ। मैं भी चलता हूँ, मतलब तुम्हें टैक्सी में बिठा दूँ? ठीक है, मैं थोड़ी देर और बैठूंगी। डेनिस मेरे साथ बैठोगे क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम आलिया के साथ बैठो, मैं टैक्सी खुद ढूंढ लूंगी या पैदल चली जाऊंगी। मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। आलिया परेशान मत होना। बाय डेनिस। हाँ मिलते हैं। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। चिकन पुलाव के लिए शुक्रिया तुम्हारा। मतलब इस वीक बनाऊं क्या पुलाव? कर लो ऐड जो पसंद है। वाह एक सेकंड, क्या कर रही हो तुम? नोट लिख रही हूँ। तुम्हें भी टेक्नोलॉजी के साथ मोबाइल फोन की प्रैक्टिस हो गई क्या? प्रैक्टिस मगर रिस्क है, कभी फोन की चार्जिंग खत्म हो जाती है, कभी फोन टूट जाता है, कभी वायरस आ जाता है। तुम्हें भी मेरी तरह सरप्राइज अच्छे नहीं लगते? बड़े सरप्राइजेस अच्छे नहीं लगते, लेकिन सरप्राइजेस अच्छे लगते हैं। मुझे नहीं अच्छे लगते। आपको आमतौर पर अपने कंट्रोल से बाहर वाली चीजें अच्छी नहीं लगती, क्या ये बोरिंग नहीं है? नहीं, छोटा और सिंपल, बड़ा और मैसी बेहतर है। ठीक है एक बात पूछनी है मुझे, कभी कुछ ऐसा हुआ है जो आपके कंट्रोल से बाहर हो?
जिसमें आपकी गलती नहीं है, उसके बाद ऐसा कुछ जो घूमकर आपके पास वापस आया हो और आप उसे कंट्रोल ना कर पाए हो? क्या कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आपकी जिंदगी उलट पुलट हो गई हो, आप उसमें फंस के रह गए हो, बाहर ही नहीं निकल पाए हो उससे? क्या करते आप? पहले मैं इंतजार करता, सिचुएशन और मैं खुद को देखूंगा, और उसके बाद मैं रिजल्ट्स के हिसाब से कुछ करता हूँ। वेरी स्मार्ट। डेनिस जब आलिया के पास आ गया तो तुम्हें फरीद ने घर छोड़ा है ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छे। डेनिस घर छोड़ता तो कितना मजा आता, लेकिन तुम्हें फरीद के साथ आना पड़ा। फतोश, आलिया कह रही हूँ मैं, आलिया यानी हमारी दोस्त जिससे हम प्यार करते हैं, वो बहुत मायूस थी और डेनिस के पास रुकने का कहा उसने। बताओ मैं क्या करती, पैदल चल के घर आ जाती क्या? मुझे फरीद ने ड्रॉप कर दिया। वैसे अगर देखा जाए तो ये एक अच्छी ही बात हो गई है नाजली। देखो ना यार कि दोनों ही लोग तुम्हें घर छोड़ने आना चाहते थे। मतलब मुझे शर्म नहीं आ रही बिल्कुल कहने में, लेकिन तुम दो लोगों के बीच में फंस गई हो। खैर जो भी हुआ ठीक ही हुआ। अरे फतोश कितने खुश नसीब हैं हम, एक बहुत बड़ी वॉर रुकी है। लड़की देखो अब इसको भूल जाओ तुम, एक तरफ लड़की और दूसरी तरफ रोमांटिक प्रिंस, दोनों ऐसे ही आएंगे और ऐसे ही चले जाएंगे, वो लोग नहीं बदलेंगे, तुम खुद को बदल लो। और इसीलिए मैं उन दोनों के बीच में नहीं रहना चाहती, मेरा रास्ता साफ है। कौन सा रास्ता है वैसे वो नाजली? ओह ठीक है समझ गई हूँ मैं नाजली। भाई अब ये तुम्हारी मर्जी है, काम करो या कुछ भी, मैं तो तुम्हें समझा समझा के थक गई हूँ। बस दोस्ती ही बनाई है तुमने। देखो इंसान को एक इंसान की जरूरत होती है, क्या तुम समझ रही हो मेरी बात? तुमने बहुत पढ़ लिखकर सिर्फ बहुत अच्छे दोस्त बनाए हैं, इसीलिए डेनिस तुम्हारा सिर्फ एक अच्छा दोस्त रह गया है। या अल्लाह तेरा बहुत शुक्रिया, मैं सालों से समझाना चाह रही थी तुम्हें, एक मिनट में समझ में आ गया। हाँ सही है, समझ गई हूँ मैं, और इसी वजह से अब से डेनिस से रिलेटेड कुछ भी बात नहीं करूँगी मैं तुमसे, क्योंकि तुम्हें फरीद अच्छा लगता है। फतोश आसमान आ जाओ मेरी बच्ची, तुम्हारा नाश्ता ठंडा हो रहा है। मेरी बच्ची, फरीद बॉस है और डेनिस दोस्त है, दोस्त और बॉस में फर्क होता है, समझी तुम? कितनी एनर्जी है तुम दोनों में सुबह सुबह। ये अपना फोन पकड़ो, मेरा ठीक होके आ गया है, अब चाहे इसे फेंको या तोड़ दो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं देखना इसे। टाइम तो देखो जरा, फतोश तुमने मुझे बातों में लगा दिया, देर हो गई है मुझे। मेरी आपा गामजे ने जो मुझे फोन दिया है, चाहे तुम उसे रखो या बेचो मैं नहीं जानती, कुछ भी करो उसके साथ। ओ मेरे हाथ टूट जाएंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नाजली। आप काम पे जा रहे हैं? हाँ जाऊंगा, बस थोड़ा लेट होगा। फरीद सर, जिस दिन से मैं इस घर में हूँ तब से एक बार भी आपको लेट होते हुए नहीं देखा, क्या आपको यकीन है कि सब कुछ ठीक है? सुबह मैं थोड़ा सा थका। ओह अल्लाह आपको शिफा दे, कल रात जो ठंडी हवा थी उसकी वजह से हुआ हो गई है, कहीं आपको फीवर तो नहीं है? नहीं नाजली ऐसा कुछ नहीं है। है आपको पता नहीं चल रहा है, आप फिक्र मत करें, खुश किस्मती से आज मैं लीमू लेके आई हूँ। मैं आपके लिए अच्छा सा लेमन का कहवा बना देती हूँ, उसमें अदरक और शहद भी डाल सकते हैं हम उसमें। सबसे अच्छा सॉल्यूशन है चिकन सूप, अभी बनाती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है नाजली, बस छोटा सा फ्लू है, फिक्र मत करो। खैर फरीद सर इतना सिंपल भी नहीं है, वीक आप मुझे बहुत वीक लग रहे हैं, आपका कलर भी फीका पड़ गया है, आपकी आंखें अजीब लग रही हैं, अल्लाह जाने आपको कौन सी बीमारी है, पता करना जरूरी है, आपको आराम करना चाहिए। अरे नाजली मैं बीमार नहीं हूँ, बस थोड़ा सा थक गया हूँ, इसलिए बीमार होता तो क्या पैरों पे खड़ा होता। चलो मैं चलता हूँ। उफ ये इंसान मेरी समझ नहीं आता। खैर नहीं पीना तो ना पिए, मैं अपने लिए बना लूंगी चिकन सूप, ये लीमू तो बेकार में ले आई। नाजली तुम्हें पता है कल रात मैं अपने नए तकिए के साथ सोया था? ये सुन के तो बहुत अच्छा लगा। जी बहुत अच्छा, बल्कि मैं जहाँ भी जाता हूँ उसे साथ लेकर जाता हूँ, मामू क्या आऊंगा तो भी साथ लाऊंगा। मेरी जान तुम ठीक हो ना? फिक्र मत करे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस तुम्हें याद कर रहा हूँ। बुलूत हम कल ही तो मिले थे, लेकिन एक बात बताऊँ मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, जल्दी मिलने आऊंगी तुमसे। वादा? ठीक है, ये जल्दी कब होने वाली है? सबसे जल्दी कब? कल, उसके अगले दिन या उसके अगले दिन,
जितना जल्दी हो सके। तुम अपना बहुत ख्याल रखना। ठीक है, जल्द मिलते हैं। उफ यार, कैसी सफाई करती हो तुम, ये ड्रॉ खुली छोड़ गई हो। कितने प्यारे दिख रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, देखो तो। इनका बचपन बहुत अच्छा रहा होगा।